फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है माइनिंग। हमने बेसिकली इसका टॉपिक हमारा जो बुक में आपको मिलेगा वो होगा इम्पैक्ट ड्यू टू माइनिंग, बट हम स्टार्ट तो मीनिंग से ही करेंगे ना। तो हम लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ माइनिंग। कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। जब हम वैल्यूएबल मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम उनको ज़मीन से निकालते हैं या फिर और एनी अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? यार ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ पे एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और जब वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो मिलियन ऑफ ईयर्स लगाएंगे रीजनरेट होने में। और वैल्यूएबल मिनरल्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करें? फ्रॉम अर्थ। जब हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजुअली फ्रॉम एन ओर। मैम अब ये ओर क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमको पता लगा कि एक लैंड के नीचे यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पे हमको गोल्ड मिल रहा है। हमने कहा ठीक है, हम चले गए मशीन्स लेके, हम चले गए और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं वो लेकर चले गए। हमने ना अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ खर्च कर दिए। जब हमने 2 लाख रुपीज़ खर्च करे और जब हमने गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करा, पता लगा कि हमने गोल्ड तो हमको सिर्फ 10,000 रुपीज़ का मिला है। क्या ये फ़ायदे की डील हुई? क्या ये एक सिविलाइज्ड पर्सन, एक पढ़ा लिखा बंदा क्या ये डील करेगा? तो बेसिकली और क्या होता है, जब भी हम मिनरल्स को किसी ऐसे मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करें कि वो प्रॉफिटेबल हो, जब वो प्रॉफिटेबल होगा तभी हम माइनिंग के लिए जाएंगे। देयरफॉर हमने कहा यूजुअली फ्रॉम एन ओर, ऐसा मटेरियल जिससे जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करें तो वो प्रॉफिटेबल हो। मतलब समझ आ गया, जब हम वैल्यूएबल मिनरल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? फ्रॉम अर्थ। और अर्थ में किससे? यूजुअली फ्रॉम एन ओर, तब हम कहते हैं माइनिंग इज टेकिंग प्लेस। एक दूसरा पॉइंट था एनी मटीरियल, ऐसा कोई भी मटीरियल डैट कैन नॉट बी ग्रोन थ्रू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से हम पैदा नहीं कर सकते, प्रोसेसेस, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, और क्रिएटेड आर्टिफिशियली, जो हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट नहीं कर सकते इन अ लेबोरेटरी, इज यूजुअली माइंड। हम कौन सी चीज़ों को माइंड करते हैं? जिनको ना हम एग्रीकल्चरल प्रोसेस से बना सकते हैं और ना ही आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी भी बना सकते हैं, तब हम उस रिसोर्स की माइनिंग करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, इम्पैक्ट्स ड्यू टू माइनिंग। क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं माइनिंग की वजह से? द फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन। यार सिंपल बात है, जब हम माइनिंग कर रहे हैं, जब हम ज़मीन को खोदेंगे, ड्रिल करेंगे तो डस्ट और गैसेस फॉर्म होंगी। जब वो डस्ट और गैसेस फॉर्म होंगी, इवन जब हम माइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ से वेस्ट हीप्स, वेस्ट मटीरियल फॉर्म होगा, जो हम जिनको जलाएंगे उनसे भी एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा। अब जो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है वो क्या करता है? वो ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। किसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है? जो प्लांट स्पीशीज होती हैं सराउंडिंग एरिया में, एंड इवन जो एनिमल्स होते हैं, सिंस वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। द सेकेंड वन इज वाटर पोल्यूशन। सपोज करो हम माइनिंग कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक रिजर्वॉयर था और यहाँ पे हमने माइनिंग की और माइनिंग के दौरान कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी निकलते हैं, कुछ पॉइजनस एलिमेंट्स भी निकलते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। जब ये टॉक्सिक एलिमेंट्स इस पानी से मिलेंगे, क्या ये पानी भी गंदा हो जाएगा? क्या ये पानी भी पोल्यूट हो जाएगा? देयरफॉर वाटर पोल्यूशन। द नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में क्या होता है? अब हमको पता है जब हम बिग मशीनरीज यूज़ करेंगे, क्यों यार, जब हमको लैंड को खोदना है, लैंड को ड्रिल करना है, हम मैनुअली जब करेंगे वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यूजुअली हम मशीन्स की हेल्प से करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं, और जब मिनरल निकल जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी उनके दौरान नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा वो भी हमारा एक इम्पैक्ट है माइनिंग का। द नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग के लिए हमको एक लैंड चाहिए, स्पेसिफिकली एक क्लियर्ड लैंड चाहिए, और हमको पता लगा कि यहाँ पे दिस एक प्लेस है वो हमारे लिए अच्छी है, सूटेबल है माइनिंग के लिए, और वो क्लियर्ड नहीं है, तो क्या उसको क्लियर करना पड़ेगा? क्या वहाँ की वेजिटेशन को हटाना पड़ेगा? क्या वहाँ के फॉरेस्ट को कट ऑफ करना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ही तो होता है। जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसकी वजह से क्या होगा, हमें लॉस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होगा, लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना होगा। हम ऑब्वियसली आज जब हम लैंड को क्लियर ऑफ करेंगे फॉरेस्ट का होगा तो प्लांट सफर कर गए, और एनिमल सिंस प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं तो एनिमल भी सफर कर गए। तो डिफॉरेस्टेशन एक इम्पैक्ट है माइनिंग का। द नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ हैबिटेट। इसको हम डिफॉरेस्टेशन से रिलेट करते हैं। अभी हमने बात करी जब फॉरेस्ट कट डाउन हो गए तो जो एनिमल्स उन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं तो एनिमल भी सफ़र करेंगे। हैबिटेट अभी हमने पहले भी पढ़ा था, हैबिटेट इज अ नेचुरल होम। प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल होम है वो ही लूज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट होगा। बायोडाइवर्सिटी इज प्लांट्स और एनिमल्स की हमारे पास कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितनी सारी वैरायटी है। जब ऐसे ऐसे क्लियर ऑफ प्लांट होता रहेगा, क्या वैरायटी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बायोडाइवर्सिटी को फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और लॉस ऑफ हैबिटेट में सबसे ज्यादा सफर करते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज मैम अब क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह सकती हैं, उसके बाहर वाली सराउंडिंग में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अब सपोज करो एक प्लॉट ऑफ लैंड था, यहाँ पे कुछ एंडेमिक स्पीशीज ग्रो कर रही थी। ठीक है, अब हमको पता लगा दिस लैंड इज वेरी मच सूटेबल फॉर माइनिंग। कुछ इधर एक मिनरल है, वहाँ यहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट में मिल रहा है, तो हम इसको क्लियर ऑफ कर देंगे। आप समझ रहे हो, ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ यहाँ पे ही मिलती थी, जो बाहर नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा, एंडेमिक स्पीशीज को इसका लॉस होगा। और जब एंडेमिक स्पीशीज को इसका लॉस होगा तो क्या होगा, हमारी जो एंडेमिक स्पीशीज है वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे आ जाएगी, खत्म होने के रिस्क पे आ जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है लॉस ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। अब हमको पता है एस्थेटिक क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू ब्यूटी। जब माइनिंग होगी, जब लैंडस्केप्स में ड्रिलिंग वगैरह होगी, क्या लैंडस्केप की ब्यूटी को फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। तो जो ये होगा, ये जो माइनिंग होगा वो एस्थेटिक वैल्यू को स्पॉइल करेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग की ब्यूटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टूरिज्म पे पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशो कल्चरल डिस्टर्बेंस टू ट्राइब्स। अब हमको पता है ट्राइब्स कौन से होते हैं, नोमैडिक पीपल, ऐसे पीपल जो जंगलों में रहते होते हैं। अब सपोज करो जब हम माइनिंग कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को ही क्लियर ऑफ कर रहे हैं, जो ट्राइब्स का नेचुरल होम था, जहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, क्या ट्राइब्स पे फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उनका पूरा जो नॉर्मल रूटीन था वो खराब हो जाएगा, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि उनसे उनके होम्स ही ले लिए जाएंगे, जिसके साथ उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जब अगर सपोज करो ये घर है ट्राइब्स का, वो कहते हैं हमको यहाँ पे माइनिंग करने दो, हम आपको इतना कंपनसेशन दे देंगे, अगर प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलेगा तब और भी इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स ऑफ लैंड क्रिएट हो जाएंगे, एक्सेट्रा। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ इम्पैक्ट। अब हमको पता है जो माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग करते हैं वो या वहाँ के लोकल पीपल, वो हाई रिस्क पे होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कौन से हो गए? प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ब्रीदिंग, जो ब्रीथ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे माइनिंग हो रही होगी वहाँ पे हाई लेवल ऑफ डस्ट होगी, वहाँ पे केमिकल पोल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट होंगे जो माइन से निकल रहे होंगे, और जब हम उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जब माइनर्स उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जब उसकी लोकल कम्युनिटी उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, हेल्थ इम्पैक्ट होंगे, ज़रूर होंगे। एंड द लास्ट वन इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसका क्या मतलब है? इसको हम इन दो पॉइंट से रिलेट करते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट कट ऑफ हो रहे हैं, प्लांट्स की बेसिकली प्लांट्स को इफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स जो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे एनिमल्स को इफेक्ट होगा। जब एनिमल्स और प्लांट्स को ही इफेक्ट हो रहा है, क्या इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी? मैम इकोलॉजी डिस्टर्ब का तो हमको तब पता लगेगा जब हमको पता लगेगा इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी बेसिकली होती है इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। सिंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्क पड़ रहा है और इन्वायरमेंट को अपनी जगह फर्क पड़ा है, तो ओवरऑल इकोलॉजी पे फर्क पड़ेगा, हाँ जरूर पड़ेगा। So these were some of the impacts due to mining. Hope you liked the video. If you did like it, so do like, share and comment on the video, and do subscribe to my channel. Thank you so much.